पॉकेटली ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले तुरंत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी पॉकेटली लोन ऐप से लोन अप्लाई करना है और आप भी पॉकेटली ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पॉकेटली ऐप से लोन अप्लाई कैसे किया जाता है और कैसे आप पॉकेटली लोन ऐप से तुरंत लोन ले सकते हैं। जैसा दोस्तों देख सकते हैं, हमने अभी पॉकेटली लोन ऐप से लोन अप्लाई किया है और मुझे यहाँ पे तुरंत 4000 रुपये का लिमिट अप्रूव किया गया है और मैं इस 4000 रुपये के लिमिट को तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी पॉकेटली ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पॉकेटली ऐप से लोन अप्लाई से लेकर लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉकेटली ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप पॉकेटली पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। पॉकेटली पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके पॉकेटली लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में आके भी पॉकेटली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा पहले से डाउनलोड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे आप पॉकेटली लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का एक्सेस अलाउ कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। आपको इसमें सबसे पहले रजिस्टर करना होता है मोबाइल नंबर के थ्रू। तो सिंपल आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन नीचे आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक 4-डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। आपको उस OTP को फिलअप करना है, देन नीचे आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारा OTP रिसीव हो गया है, हम OTP डाल के प्रोसीड कर देते हैं। अब आप OTP डाल के जैसे ही प्रोसीड करेंगे अब दोस्तों आपको इसमें ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन करना होता है। तो इसके लिए आपको साइन इन विद गूगल ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन विद गूगल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल लॉगिन रहेंगे सभी जीमेल का लिस्ट शो हो जाएगा। तो जो भी जीमेल आप पॉकेटली लोन ऐप के साथ लिंक करना चाहते हैं उस जीमेल को आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जीमेल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करने हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं आप सक्सेसफुली पॉकेटली लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार पॉकेटली लोन ऐप का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं पॉकेटली लोन ऐप से हमें 3 टाइप का लोन ऑफर किया गया है। दोस्तों पॉकेटली लोन ऐप से हर टाइप के लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है यानी आपको कोई भी मंथली सैलरी रिसीव नहीं होता है, कोई भी आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप पॉकेटली लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। आपको 10000 रुपये का लिमिट मिल सकता है वो भी 3 मंथ टेनर के साथ। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ से 25000 रुपये का लोन मिल जाएगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है फिर भी आपको 25000 रुपये का लोन मिलेगा। तो दोस्तों पॉकेटली लोन ऐप से स्टूडेंट या फिर कोई भी वैसे लोग लोन ले सकते हैं जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है। तो हम यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ के लोन अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लोन फॉर नॉन सैलरीड जो 10000 रुपये वाला लिमिट है इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब नीचे दोस्तों आपको कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पे आपको 2 परमिशन अलाउ करने होंगे अपने फ़ोन का, एक लोकेशन और एक मैसेज सेंड रीड का। तो दोनों को आप इनेबल यहाँ पे कर देंगे, दोनों परमिशन आप अलाउ कर देंगे। अब जैसे आप दोनों परमिशन अलाउ कर देंगे अब जो दोस्तों लोन अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप है वो आपके सामने आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ फ्यू डिटेल्स यहाँ पे पहले फिलअप करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो सिंगल आप सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आपको अपना करंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वहीं सेम एड्रेस आप फिलअप करेंगे। तो एड्रेस में आप एड्रेस को फिलअप करेंगे, इसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड एंटर करना है। तो जो आपके आधार कार्ड में पिन कोड है आपका पोस्टल पिन कोड उसको आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप बात करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज लिस्ट मिल जाएगा, तो जिस भी लैंग्वेज जिस भी भाषा में आप बात करते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन नीचे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे जो भाषा सेलेक्ट करेंगे अगर आपको पॉकेटली लोन ऐप की ओर से कोई भी एजेंट का कॉल आता है तो वो एजेंट आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे। अब इसके बाद आपको नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसमें लॉग इन किए हैं क्या आपका उसी में व्हाट्सएप चलता है, तो इसके लिए आप येस करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर अदर है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टर्म और कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, तो आप चाहे तो इसको रीड करेंगे और जितने भी आपको चेकबॉक्स दिख रहे हैं सभी पर आपको टिक मार्क लगाना है। देन नीचे आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब आप सारा डिटेल फिलअप करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन डिटेल्स देना होगा, तो इसके लिए आपको ऐड इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, आप ऐड इन्फो पे क्लिक करेंगे। अब आप ऐड इन्फो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पैन डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका पैन डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पैन डिटेल्स ऐड कर लेने के बाद अब आपको आधार केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए आप अपना आधार डिटेल्स डालेंगे। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप अपना फादर फुल नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको नीचे अपना मदर फुल नेम एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, सेम कैप्चा कोड आप कैप्चा बॉक्स में डालेंगे। देन नीचे आपको टर्म और कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। इसके बाद आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपना कंप्लीट डिटेल डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 डिजिट ओटीपी भेजा जाएगा। आप उस ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाइड कर लेंगे। तो चलिए हम आधार डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेते हैं आधार ओटीपी के थ्रू। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप आधार ओटीपी को वेरीफाइड कर लेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एक सेल्फी वीडियो यहां पे क्रिएट करना होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो गया है। अब हमें यहां पे अपना एक सेल्फी वीडियो क्रिएट करना होगा। तो सेल्फी वीडियो जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आपको बोलना है वीडियो पर, जो कि आपको यहाँ पर कहना है। आप अपना नाम बोलिएगा और आपको कहना है पॉकेटली ऐप पर जो लोन आप ले रहे हैं उसकी वापस करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये आपको बोलना है सेल्फी वीडियो पर और आपको वीडियो को क्रिएट कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों सेल्फी वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर देने के बाद अब यहाँ पे आपको रेफरेंस ऐड करने होंगे। तो रेफरेंस में आपको 2 पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों रेफरेंस ऐड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जिनका आप मोबाइल नंबर देंगे उनके साथ आपका क्या रिलेशन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप उनका नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसी तरीके से रेफरेंस 2 में भी आप जिनको रेफरेंस रखना चाहते हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे, उनका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। देन नीचे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप प्रेफरेंस ऐड कर लेते हैं सक्सेसफुली आपका केवाईसी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं हमें यहाँ पे बताया गया है योर केवाईसी एप्लीकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है प्लीज वेट फॉर 23 आवर्स एज योर एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड। यानी हमें बताया गया है कि हमारा जो केवाईसी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है और वो अब अंडर रिव्यू में चला गया है और रिव्यू होने में यहाँ पे 23 आवर का टाइम लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे 23 आवर का टाइम लिया जाता है केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगता है, कुछ ही टाइम के अंदर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं और देखते हैं हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन होने में कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम 30 मिनट बाद फिर से पॉकेटली लोन ऐप को ओपन किए हैं और हमारा जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमें 4000 रुपये का लिमिट अप्रूव किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं 4000 रुपये का हमारा लिमिट अप्रूव्ड हो चुका है और यहाँ पे सिविल स्कोर भी शो हो रहा है, जो कि 650 सिविल स्कोर पर 4000 रुपये का लिमिट अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों ये लिमिट अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हमें यहाँ पे 4000 रुपये का लिमिट अप्रूव किया गया है। आपको इससे ज़्यादा लिमिट मिल सकता है या फिर आपको इससे कम भी लिमिट मिल सकता है। अब सिंपली दोस्तों लिमिट अप्रूव हो जाने के बाद अब आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको नीचे गेट मनी का ऑप्शन दिख रहा है, आप गेट मनी पे क्लिक करेंगे। अब आप गेट मनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, कितना अमाउंट आप अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही आप गेट मनी पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स भी ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे पहले ही बैंक डिटेल्स ऐड कर लिए हैं इसलिए आपको बैंक डिटेल्स ऐड का प्रोसेस नहीं दिखा पाए हैं। तो कोई बात नहीं है, जैसे आप गेट मनी पे क्लिक करेंगे आपको बैंक डिटेल्स वेरीफाइड करना होगा जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लिमिट को लेना चाहते हैं, तो आप अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम जैसे ही सिलेक्ट लोन अमाउंट पे क्लिक किए हैं तो हमें यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है। तो हमें 4000 रुपये का लिमिट अप्रूव किया गया है। तो 4000 रुपये का लिमिट हमें अभी बैंक में ट्रांसफर नहीं करना है, हम 2000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। तो हम 2000 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 2000 रुपये का अमाउंट सेलेक्ट कर लिए हैं हमारा लोन का कंप्लीट डिटेल्स आ चुका है। 2000 रुपये का लिमिट हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें कितना प्रोसेसिंग फीस देना है, GST कितना इंटरेस्ट देना है, डिस्बर्सल अमाउंट, पेमेंट अमाउंट सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 122 रुपये देने होंगे, GST यहाँ पे 21 रुपये 96 पैसे देने होंगे, इंटरेस्ट हमें 60 रुपये देने होंगे और हमारे बैंक अकाउंट में 1856 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे और टोटल हमें 2060 रुपये रिपेमेंट करने होंगे। तो आपका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों आप सब कुछ चेक करेंगे। अब इसके बाद आपको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको गेट मनी का ऑप्शन दिख रहा है, आप गेट मनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप गेट मनी पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका जो लिमिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप पॉकेटली ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आप पॉकेटली ऐप से लोन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके बताया है कि कैसे आपको पॉकेटली ऐप से लोन अप्लाई करना है, और लोन अप्रूव हो जाने के बाद उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।